बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मौसम की वीडियो की नोटिफिकेशन से दोस्तों आप रोज़ाना बाखबर रह सके। ब्रेकिंग न्यूज़, आज रात और कल बारिशों का नया सिलसिला बरसने को तैयार और मज़ीद अच्छी बारिशें कब से आ रही हैं, आज की वीडियो में इसके बारे में आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं तो बारिशों के नए सिलसिले के हवाले से, तो इस दौरान मगरबी हवाओं का कमज़ोर बारिश बरसाने वाला नया सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के रास्तों से होता हुआ मुल्क के इंतहाई बालई शुमाली इलाकों में दाखिल हो रहा है, जो कि यह सिलसिला आज रात से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पर असरअंदाज होगा। ये सिलसिला इंतहाई कमज़ोर है, सिर्फ मुल्क के बालई इलाकों पर बारिशों का सबब बनेगा। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मौसम की ताज़ा तरीन सूरताल के मुताबिक इस वक्त पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालई शुमाली हिस्सों, इसके अलावा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम जुजवी अबर आलूद है। जगह जगह गहरे गहरे बादलों का राज है, जबकि कुछ कुछ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस दौरान आज रात से खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्को है। तमाम याद रहे कि इस सिलसिले से मुल्क के दीगर हिस्सों में कोई खातरख्वाह बारिश का इम्कान नहीं है, सिर्फ मौसम साफ खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। बात करते हैं तो गर्मी के हवाले से, तो इस वक्त गर्मी की पहली नई लहर बाकायदे तौर पर मुल्क को मुतासर कर रही है, ख़ास करके मुल्क के जनूबी हिस्सों जिसमें कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों, जनूबी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के तमाम तर इलाकों में आज इंतहाई मौसम गर्म रहा। धूप की शिद्दत इंतहाई तेज़ थी और साथ ही गर्म हवाएं भी चल रही थी, जबकि दर्ज हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। नोट, इस दौरान ये शदीद गर्मी की लहर इस वक्त कराची से कश्मीर तक मुल्क को मुतासर कर रही है, इसकी असरात जिसकी वजह से मुल्क में शदीद गर्मी की नई लहर जारी है। इस गर्मी की लहर की वजह यह है कि एक बोरा एरम में ज़्यादा हाई प्रेशर वाला कम दबाव बन चुका है, जो कि मुल्क को आइंदा 12 रोज़ तक मुतासर करेगा। इस कम दबाव की वजह से मगरबी बरखाई सिलसिले भी आइंदा 12 रोज़ तक मुतवक नहीं है, जिसकी वजह से मौसम खुश्क और साफ शदीद गर्म रहेगा। बात करते हैं तो बारिशों के हवाले से, तो इंशाल्लाह अप्रैल के पहले या फिर दूसरे हफ्ते से एक बार फिर मुल्क में अच्छी बारिशों की वापसी होगी। इंशाल्लाह इस मरतबा जो भी मगरबी हवाओं का सिलसिला आएगा वो सिलसिला मुल्कगीर बारिशों का सबब बनेगा, यानी कराची तक कश्मीर बारिशें देखने को मिलेंगी। इस दौरान फिर काफ़ी लंबे अरसे के बाद कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के जनूबी हिस्सों को भी ये बारिशें देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह इसकी मज़ीद अपडेट्स हम आपको वक्त आने पर देंगे, मज़ीद वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। मज़ीद दुआ करते रहो कि पाकिस्तान में रहमत की और अच्छी बारिशें होती रहें। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइट मीन थंडरस्टॉर्म, बारिशों में मुतालिक रोज़ाना मौसम की अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक वेदर मेड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।